खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे बीजेपी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के चारों पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सरकार की उपलब्धियों को इस दौरान गिनाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी एकजुट होकर युवा चेहरे सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी का कुनबा खड़ा हुआ है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको नजर आने वाला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाने का कार्य करेंगे। और साथ ही बड़ी बात यह भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के चारों पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आएंगे। मयंक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सीएम धामी, कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में सरकार अपना जो पक्ष है वो रखना चाहती है। और निश्चित तौर पे अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें, जब से पुष्कर सिंह धामी ने सूबे की कमान संभाली और उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से लगातार वो सक्रिय रहे हैं और लगातार जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको धरातल पे उतारने की कवायद उनके स्तर पे जारी है। तो निश्चित तौर पे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफी अहम है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो पूर्व सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, ये सभी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और जो सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्य हैं, जो विकास के कार्य किए गए हैं, उनकी जानकारी देंगे। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे भाजपा मुख्यालय में, और चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, तैयारियां कितनी पुख्ता है और क्या कुछ किए जाने की दरकार है, इन सारे मुद्दों पे सीएम धामी उनके साथ बैठक करके बातचीत करेंगे। तो निश्चित तौर पे आज की जो कॉन्फ्रेंस है, ये कहा जा सकता है कि चुनावी लिहाज से बेहद अहम कॉन्फ्रेंस है। और चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि